अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हमारे पास ये जो रिवर्स ट्रायंगल होता है, ये कैसे किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर बनाया जाता है। अभी हम जो कोड करेंगे वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे। आप किसी भी तरह की लैंग्वेज या प्रोग्राम लैंग्वेज को जब आप यूज़ करेंगे तो तकरीबन लैंग्वेज के अंदर सिवाय सम वेरिएबल्स के नाम और उस तरह की चीज़ों डिफरेंट देने के अलावा तकरीबन चीज़ें सिमिलर होती हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले HTML का बेसिक सिंटैक्स, जैसे ज़रूरत नहीं होती इसकी। स्क्रिप्ट ए को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमने फॉर लूप को शुरू कर देना है। आपने एक वेरिएबल बना दिया ए के नाम से, जिसकी वैल्यू है 20। और ए जब तक बड़ा है 1 से, तो उससे डिक्रीमेंट करते रहो, ठीक है जी। कि ए की वैल्यू जब तक आपकी जो है वो बड़ी है 1 से, जो कि हमारी अभी 20 है, तो जब तक ये बड़ी होगी 1 से, तब तक ये रिपीट करता रहेगा। अब रिपीट किसको करना है? रिपीट करना है अपने ही इसके एक और लूप को, जिसका वेरिएबल का नाम बी है, वैल्यू 1 है, और बी जब तक लेस देन इक्वल है ए के, यानी पहले वाले लूप के वेरिएबल के, तब तक बी के अंदर अब इंक्रीमेंट होगी। पहले वाले लूप में डिक्रीमेंट है, सेकंड वाले के अंदर इंक्रीमेंट है। तो क्या रिपीट करते रहो जी? रिपीट करते रहो वो स्टार्स के जो हमारे सवाल है सिंबल स्टार का। तो हमारा पहला वाला लूप, उसका सबसे पहले तो काम क्या है? पहला वाला लूप सिर्फ और सिर्फ न्यू लाइन पे लाएगा, यानी एक ब्रेक लगाता रहेगा इस तरह से। बाकी जो स्टार प्रिंट करेगा वो ये हमारा ये वाला लूप होगा, यानी ये लूप एक बार चलेगा। एक बार चलने के बाद ये पूरे लूप के, यानी अंदर वाला लूप अपना तब तक, यानी 20 तक स्टार प्रिंट करेगा, और फिर जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपकी ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी प्रिंट हो जाती है। इसका मकसद सिंपल है बेटा, स्टार प्रिंट करने के लिए ये वाला लूप है, और ये तब तक लूप चलेगा जब तक ऊपर वाले लूप यानी ए की वैल्यू तक, सही है जी। तो बी की वैल्यू 1 है, बी जब तक लेस देन आर इक्वल होगा 20 के, तब तक ये स्टार प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट टाइम उसकी डिक्रीमेंट होके आएगी, तो 20 से 19 हो जाएगी ए की वैल्यू, तो ये वाला लूप फिर से 19 स्टार प्रिंट करेगा। और एक बार ये रिपीट जब कंप्लीट हो जाता है, तो फिर एक जो है वो ब्रेक पहले वाला लूप करवा रहा होता है। चले जी, सेव करते हैं, इसको चलाते हैं, तो आप इसका आउटपुट देखिएगा किस तरह से नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप समझ लें कि रिवर्स टाइप के जो ट्रायंगल का शेप है वो आप बना लेते हो विथ जावास्क्रिप्ट। ओके जी, तो नेक्स्ट के अंदर इंशाल्लाह कुछ और चीज़ें कवर करते हैं।